तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्कूल टीचर TRE 3.0 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि BPSC ने ये तीसरी बार नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है जो कि आपके बिहार स्कूल टीचर्स के रिगार्डिंग है। तो इसके रिगार्डिंग नए एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, सिलेक्शन आपको कैसे होने वाला है, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को देंगे। काम क्या करना होगा तो आपको पहले से पता है, टीचर का काम पढ़ाना होता है तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स को, जो कि आपको यहाँ पर जानना बेहद ही जरूरी है फॉर्म को भरने से पहले। बात करते हैं यहाँ पे, और सभी स्टूडेंट्स को यह भी कहना चाहेंगे कि आपको यदि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो फॉर्म है वो 10 फरवरी से लेकर आपका 23 फरवरी तक फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट का डेट है वो 25 फरवरी रखा गया है, और इसका एग्जामिशन डेट जो है वो 7-17 यानी कहने का मतलब 7 से 17 मार्च के बीच में आपका एग्जामिशन होगा। यहाँ पे रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन का डेट है वो 22 से 24 मार्च के बीच में रखा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, जिसमें कि जनरल OBC EWS को 750 रुपया और अदर स्टेट्स के सभी कैंडिडेट को 750 रुपया का फीस देना है। ST SC और PH कैंडिडेट बिहार के या फिर फीमेल कैंडिडेट जो भी बिहार के होंगे, उन सभी को 200 रुपये का फीस देना है, और फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट क्या रखे गए हैं उसको समझ लीजिएगा। एज लिमिट में आपका सबसे पहले मिनिमम एज जो है वो कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से 8 तक का 18 ईयर का मिनिमम एज रखा गया है, और जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखा गया है वो कक्षा 9 से 10 तक का और 11 से 12 तक का, ठीक है। जिस भी के लिए आप भर रहे होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स 1 से 5 के लिए भरते होंगे, कुछ स्टूडेंट 6 से 8 के लिए भरते होंगे, कुछ 9 से 10 और कुछ 11 से 12, बहुत सारे स्टूडेंट दोनों के लिए भी भरते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या है, आपका जो मिनिमम एज है वो 18 और 21 ईयर का रखा गया है, जो कि आपको समझ में आया होगा, और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 ईयर अनरिजर्व मेल के रिगार्डिंग है और 40 ईयर अनरिजर्व फीमेल के रिगार्डिंग है। BC और EBC मेल फीमेल के रिगार्डिंग 40 ईयर का एज है, और आपका जो फीमेल है ST SC मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर का मैक्सिमम एज रखा गया है। स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, तो सभी दोस्तों भाइयों को बता दें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग निश्चिंत रहना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में समझिएगा, क्लास 1 से 5 के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास यदि बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ BA डिग्री भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DL किए हुए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर यदि आपके पास 10+2 के साथ आपने DL किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे और भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास CTET का पेपर 1 या फिर BTET का पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी क्वालिफाई रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से 6 से 8 के लिए स्टूडेंट्स आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DL और या फिर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो और BEd किए हुए तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर CTET और आपका जो BTET है उसका पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। 6 से 10 के लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स बात किया गया है कि आपका ST का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और 4 ईयर का आपके पास यदि डिग्री है BEd में या फिर BSc EED में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आपके साथ, इसके साथ साथ आपके पास BEd का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसी प्रकार से 9 से 10 के लिए, 9 से 10 के लिए भी आपका ST का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ BEd का डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 9 से 10 का स्पेशल है, इसके रिगार्डिंग सेम टू सेम क्वालिफिकेशन कुछ रखा नहीं, कुछ नया सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, कुछ नया क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, बिल्कुल वही क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 10+2 एग्जामिशन के रिगार्डिंग अगर आप क्लास 11 से 12 के लिए भर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी क्लास 11 से 12 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम मास्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास BEd का डिग्री होना चाहिए और स्टेट का आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछेगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार लोक सेवा के द्वारा जारी किया गया है। हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है। सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए आपका जो प्रश्न होंगे टोटल 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और दो भाग में आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। भाग 1 जो रहेगा वो भाषा ज्ञान रहेगा। भाषा ज्ञान में आपके क्या होंगे, इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी, उर्दू, बंगला इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, जो कि 30% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। फिर दूसरा भाग जो रहेगा वो 120 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका प्राथमिक गणित होगा, मानसिक दक्षता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, इस प्रकार से होंगे जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं जो स्टूडेंट्स आपके भाग
कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ेंगे उनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उन्हें भी 1.5 घंटे का प्रश्न होगा, सॉरी 1.5 घंटे 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 150 प्रश्न उनके भी होंगे। 3 भागों में उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहला भाग होगा जो कि आपका हमने बताया जैसा कि आपको वो भाषा ज्ञान से होंगे और जिसमें भी आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी उर्दू बंगला इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना होगा। और दूसरा जो होगा वो 40 नंबर का भाग दो होगा। भाग दो में क्या होंगे, समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होंगे जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, आपके विज्ञान इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और भाग 3 में 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपके मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र जैसे कि आपको गणित एवं विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर हिंदी या फिर उर्दू या फिर संस्कृत तथा अंग्रेजी इनमें से कोई भी एक आपको चुनना होगा। ठीक है, ये भाग आपके 3 होंगे। भाग 3 में इनमें से कोई भी अगर आप चुनेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भाग 3 में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो भाग है आपका वो कक्षा 9 से 10 के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर भी आपके 3 भाग में प्रश्न होंगे सेम टू सेम और 2.5 घंटे का समय होगा, आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको पहला दो सेम रहने वाला है, आपको समान अध्ययन से दूसरा पेपर होगा, पहला पेपर आपका भाषा ज्ञान से होगा और तीसरा पेपर आपको सब्जेक्ट में से चुनना पड़ेगा जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप 9th-10th में जब चले जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे आपके बचे हुए जो आपके हैं जैसे कि 11th-12th है उसके रिगार्डिंग में आपको सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होगा जैसा कि आपका 9th-10th का हमने बताया है। ठीक है, और तो ये आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी और मिली होगी। ठीक है, प्रत्येक सही के आपको यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्येक जो आपके 9 1-5 से लेकर 11th-12th तक कि जितने भी भाग 1 के प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स जो होंगे मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ पे जो आपके मार्क्स मिलेंगे उन मार्क्स में से यदि आप कोई भी क्वेश्चन को गलती करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आप गलत अटैम्प्ट करते हैं तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। ठीक है, यानी ऋणात्मक अंक जो है वो नहीं है यहाँ पर, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जानकारी अच्छे से मिली होगी, समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कि आपको यहाँ पर जो सैलरी होगा वो किस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि क्लास 1-5 में जब आपका सिलेक्शन होगा वो आपको वहाँ पे 25,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा और इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, अदर अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, ये सभी चीज़ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्लास 6-8 के लिए रिगार्डिंग, आपको 28,000 पर मंथ का आपको सैलरी मिलेगा, इसमें अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास 9-10 वाले स्टूडेंट्स को 31,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा प्लस इसमें अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें बात करते हैं क्लास 11-12 का 32,000 पर मंथ का सैलरी आपका सैलरी होगा प्लस इसमें अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब अलाउंसेस जोड़ के लगभग आपका सभी का सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे कि क्लास 11-12 का 32,000 सैलरी है बेसिक पे, इसमें अदर अलाउंसेस को जोड़ेंगे तो आपका उनका 50-60,000 के आसपास उनका 50K से लेकर 60K के बीच में आपका सैलरी हो जाता है। क्लास 1-5 के लिए 25,000 है लेकिन जब आप इसमें अलाउंस जोड़ेंगे तो आपका 40K के प्लस आपका सैलरी हो जाने वाला है। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और सैलरी को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं तो आपका जॉब जो है वो बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है। आपको वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ पढ़ाना है, कोई ऐसा शारीरिक काम है नहीं, आपको मानसिक काम है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता होगा तो बेहतर स्वाभाविक बात है आपके लिए जॉब बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए भर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।